कर्नाटक से निकला हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एक बच्ची के स्कूल में तिलक लगाकर आने पर टीचर द्वारा उसकी पिटाई का मामला सामने आ गया। मामला राजौरी जिले के कोटरड़का शिक्षा जोन के खदुरिया सरकारी मीडिया स्कूल का है। यहां एक टीचर ने एक बच्ची की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि वह तिलक लगाकर स्कूल पहुंची थी। इस पीड़ित बच्ची के पिता अंग्रेज सिंह ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित बच्ची के पिता अंग्रेज सिंह का आरोप है कि नवरात्र के अवसर पर उनकी मासूम बेटी तिलक लगाकर स्कूल गई थी, इसलिए टीचर ने उसको बेरहमी से पीट दिया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने निशार अहमद नाम के टीचर को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। बच्ची के पिता का आरोप है कि उनकी बच्ची को टीचर निशार अहमद पहले भी परेशान करता रहा है क्योंकि वह स्कूल में तिलक लगा कर जाती थी। उनका आरोप है कि टीचर निशार अहमद 2-3 हफ्ते से बच्ची से कह रहा था कि सिंदूर लगा कर स्कूल में मत आया करो, लेकिन बच्ची लगातार तिलक लगा कर स्कूल जाती रही और अब टीचर ने उसे बेरहमी से पीट दिया। आरोप है कि टीचर निशार अहमद ने बच्ची के साथ मारपीट करने के बाद उसे कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर वह तिलक लगाकर स्कूल आई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस घटना के बाद से बच्ची सदमे में है और स्कूल जाने से डर रही है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद बच्ची से मारपीट करने वाले टीचर निशार अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है। जिला उपायुक्त ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए निशार खान को ADC कोटरड़का के कार्यालय में अटैच कर दिया है। ADC को इस पूरे मामले की जाँच करके रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।